ये भी ना कितना बोलती है। और अगले दिन मॉम शिनचैन तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज मुझे नाश्ता दे दीजिए। हाँ अरे मेरा प्यारा बेटा नाश्ते में क्या बनाऊँ मैं तुम्हारे लिए? वैसे मुझे नाश्ते में टोस्ट और दूध चाहिए मॉम। ठीक है बेटा। अरे मिस्टर नोहारा कैसे हैं आप? अरे कैसी हैं आप? मिसेस नोहारा इस वक्त बिजी तो नहीं होंगी ना? शायद बिजी होंगी, शिनचैन को अभी स्कूल जाना होगा ना। मुझे दरअसल उनसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। अरे कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, मैं बस लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए चलता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मुझसे तुम काफी बदल गई हो, सुबह जल्दी उठती हो और अच्छे से नाश्ता करती हो। जब हमारे घर पर थी ना तो दोपहर तक सोती रहती थी। वैसे एक बात बताइए, आप घर कब तक जाएंगी दीदी? चली जाऊंगी, इतनी जल्दी क्या है? मॉम स्कूल जाने का टाइम हो गया। हाँ हाँ मुझे पता है। और हाँ अरे नहीं, मैं योशिनागा मैम को बताना ही भूल गई, अब क्या करूँ? मुसाई तुम्हारे पास साइकिल तो है ना? बोलो जल्दी बताओ साइकिल है कि नहीं। मेरे पास तो नहीं है दीदी, पर आप मेरी नेबर से ले सकती हैं। मिसेस नोहारा आई। वाह ये टाइम पर तैयार हो गया। वो तो है। हाँ अरे आज बहुत दिनों के बाद शिनचैन टाइम से तैयार हो गया ना। अपना ख्याल रखना, बाय। अरे कितनी गंदगी फैला रखी है, मैं सबको साफ कर देती हूँ। हाँ नहीं मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करूँगी। जिसको करना है खुद कर ले, मैं क्यों करूँ? मैंने तुमसे जो मंगवाया था वो तुम लेकर आए हो ना? दीदी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है जाओ, आप प्लीज घर का ख्याल रखिएगा और सफाई भी कर दीजिएगा। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, कर लूँगी मैं। आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हैं दीदी? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं घर वापस जल्दी आ जाऊँ, फिर मैं सफाई में आपकी मदद भी कर दूँगी। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सब कर लूँगी। ठीक है जो आपकी मर्जी है वो आप करिए, मैं जा रही हूँ, बाय। शाम को मिलेंगे, बाय। तुमसे जाने को मैं जाने ही वाला था लेकिन क्या करूँ। अब मैं सुनाता हूँ आपको चुटकुला। ये चुटकुला है हाथी और चींटी के बारे में। एक था हाथी और एक थी चींटी। अरे नहीं नहीं एक नहीं, देखती हूँ कोई मैसेज तो नहीं आया है। चींटियाँ थी। अब हाथी ने चींटी से क्या कहा ये बताएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन तब तक आप भी सोचिए कि हाथी ने चींटी से क्या कहा होगा। जो भी सही जवाब देगा उसे मिलेगा ये गिफ्ट वाउचर। मैसेज आ गया क्या सर? क्या कह रहे हो तुम? आप मैम के मैसेज का इंतजार कर रहे थे ना, आ गया क्या? मैं किसी के मैसेज का इंतजार नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि आपको ही मैसेज भेजकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए ताकि वो जल्दी से घर वापस आ जाएं। क्यों, अच्छा आइडिया है ना? मेरी गलती नहीं तो माफी क्यों मांगूं? पर माफी मांगने में बुराई ही क्या है सर? वो भी तो मांग सकती है। वैसे आप मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना सर? मैं उसे कोई मैसेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि मैम का कोई जवाब आया क्या? अरे जब मैंने ही उसे कोई मैसेज नहीं किया तो वो मुझे जवाब क्यों देगी? मैं अभी आता हूँ जरा। ठीक है। क्या बेकार के मैसेज भेजता रहता ये शिनचैन मुझे। पता नहीं शीरू को खाना मिला भी होगा या नहीं।
क्यों उसे खाना नहीं मिलता क्या? नहीं मॉम, आजकल शिरो ठीक से खाना नहीं खाता। तुम चिंता मत करो शिनचैन, तुम्हारे डैड ने उसे खाना खिला दिया होगा। डैड ने कुछ बनाया होगा तो ही तो खाएगा ना बेचारा। क्यों, हैरी खाना नहीं बनाते क्या? बनाते हैं पर हम खा नहीं पाते। पर वो तो अच्छा खाना बनाते हैं। सच में? सच में का क्या मतलब? तुम ज्यादा हंसो मत। आपका फोन बज रहा है दीदी। ये लो डैड का फोन है। हेलो हेलो डैड डैड। हो गई तुम्हारी डैड से बात? ये लीजिए मॉम, लीजिए। मुझे उनसे बात नहीं करनी। फोन तो पहले कट गया। कोई बात नहीं। तुम्हारे डैड क्या कह रहे थे? उन्होंने खाना नहीं खाया, उनके पेट में दर्द है। हाँ? क्या कहा? कहाँ दर्द है? पेट में। क्या, पेट में दर्द है? हाँ मॉम, उन्होंने तो मुझे यही बताया। मुझे लगता है वो आजकल खाना ठीक से नहीं खा रहे। मुझे भी घर जाना होगा। वाह, आज का ये खाना तो वाकई कमाल का है। अरे मिच्ची, तुम यहाँ? अबू, शिनचैन ने मुझे बताया कि आपके पेट में दर्द है, आप ठीक तो है ना? बोलिए ना, बताइए ना मुझे। मेरे पेट में कोई दर्द नहीं, बल्कि मैंने तो अभी रेस्टोरेंट से डिनर मंगाया है मिच्ची। हाँ? वो देखो। आपने इसे फ्रिज में क्यों नहीं रखा? बाहर तो ये खराब हो जाएगा। अरे थोड़ा ज्यादा आ गया था खाना, फ्रिज में आ नहीं रहा है, तो मैंने बाकी का खाना डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया है। मैं खा लूंगा इसे। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी हैरी। बेकार में चिंता कर रही थी तुम। मैं तो मजाक कर रहा था। ताकि आप अपने घर वापस लौट आए। अरे वाह, तुम भी आई हो, तो फिर चलो सब लोग मिलकर डिनर करते हैं, ठीक है? वाह, मजा आ गया, बहुत टेस्टी खाना है सच में। अब इतना ज्यादा भी मत खाओ, ये ठीक नहीं है। मैं ये बात भी डायरी में लिखूंगी दीदी। खाना वाकई टेस्टी है ना मिच्ची? बहुत ज्यादा टेस्टी। चाहे कोई कुछ भी कह ले, अंत भला तो सब भला।